के बार पटाखे भी फोड़े गए, हालांकि लिस्ट नहीं आई है किस तरह का आश्वासन मिला है हाईकमान से। मेडिकल हाईकमान से मीटिंग हुई और मैंने अपने पक्ष में बात रखी और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मेरे हक में फैसला लेगी और लोगों में उत्साह है और वर्कर तो कभी काबू का रहता नहीं। जब वो फोटो देख कर आया कि भाई अमित शाह जी के साथ बैठे हैं तो कोई ना कोई निर्णय होगा, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया। इन दिनों में राजनीति की चर्चा होगी, विकास के काम की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी बारे में चर्चा हुई कि भाई किस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए, कौन कौन प्रत्याशी, इस बारे में चर्चा होती है। रणवीर सिंह को टिकट दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, ये माने जाए तो इसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा टिकट दे दी, पर मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा। कितनी विधानसभाओं पे प्रभाव रहने वाला है राव साहब का? ये तो समय अनुसार होता है कि प्रभाव घटता बढ़ता रहता है, मेरा इतना प्रभाव है इतना नहीं है, लेकिन अहिरवाल में रणवीर सिंह अपना एक शख्सियत रखता और प्रभाव है, जितनी मदद हो सकेगी जो भी प्रत्याशी हम उनकी मदद। मंत्री जी, एक जो उसके बाद आप अमित शाह से मुलाकात हुई, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, मैंने ये कहा था रणवीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जरूर लड़ेगा, मैं आज भी कह रहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा। नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस में जाने की, कांग्रेस में जाने, कांग्रेस में भी शीर्ष नेताओं से बात चल रही है जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात? नहीं, ये पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता, मैं सोचता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था, आज 2024 है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी एक चुनाव टिकट लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कट गई, 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में रणवीर सिंह का नाम आएगा, मैं चुनाव। ये बातें आ रही थी कि दो नेता रहे थे, मैं कहता रहा हूँ कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हो, मेरे हक में भी लोग हैं, मेरे खिलाफ भी लोग हैं, ये मैंने स्टेज पर कहा था, आज भी कह रहा हूँ, रणवीर सिंह के हक में, और दुनिया में जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया उनके भी खिलाफ लोग थे, तो रणवीर सिंह तो छोटा सा आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव लड़ा। राव साहब, टिकटों को लेकर मुझे उम्मीद है तेजपाल तौर को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। राव साहब, टिकटों को लेकर हमने सुना आपका, आपने कहा कि जो 14 और 19 नहीं हुआ क्षेत्र, मैं आज भी कहता हूँ उतना विकास नहीं हुआ जैसे जनता ने भाजपा की सरकार बढ़ाई थी 19 के बाद, गुड़गांव जिले में रहीनवाल में विकास उतना नहीं हो पाया, एम्स की आधारशिला जरूर रखी गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले समय में जो इस 5 साल की कमी रही, और आने वाले समय में भगवान ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जनता का आशीर्वाद से, इन 5 सालों का भी काम करेंगे अगले 5 सालों। राव साहब, नहीं मैं दबाव वबाव की नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने भारतीय जनता पार्टी तो एक दिन भी नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग हुई मैं उस मीटिंग में भी गया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैंने आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। कितनी सीटें आ रही है हरियाणा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ये किसी पंडित से या विद्वान से पूछिए, मैं अपने हलके की कह सकता हूँ कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोटों से सीट जीतेगा। राव साहब, टिकटों, राव साहब, सरकार और जो अधिकारी उनको सवालों घेरे में रखा था, नहीं मैं नहीं कर रहा है, गुड़गांव की जनता कर रही, नरवीर सिंह ने अकेला नहीं करा, गुड़गांव में अफसरशाही थोड़ी सी बेलगाम है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है, गुड़गांव का आम मतदाता परेशान है, ये मैंने कहा। आपने मन से कहा था कि इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आ रही है, कई बार मन से कहा, मैं तो ये नहीं था, आपका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें आप बताया, मेरी बात सुन, मैंने कहा था यदि यही प्रत्याशी रहे तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक एक शब्द कोई बता रहा, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को, लेकिन आप प्रत्याशी बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैंने ये कहा। तो अभी क्या राजनीतिक हालात में क्या, मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल रही, भाजपा जो है सत्ता में जाने का रास्ता जो अहिरवाल से जाता है, दोनों बार ही अहिरवाल के लोगों ने पहुंचाया है, क्या अब की बार भी सत्ता तक पहुंचते तो अहिरवाल का कुछ हो पाएगा विकास? अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में रहेगा। राव साहब, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, कब तक पहली सूची जो है वो भारतीय जनता, मुझे लगता है आज टिकट फाइनल हो जाएंगे,
चाहे वो पूरी हो चाहे कुछ कम हो, मुझे उम्मीद है वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मेरा ही कार्यक्रम लोगों ने मनाया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी, राजनीति में खर्चा वर्चा चलता रहना चाहिए, तो लोग खुशी मना रहे आ रहे।